हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, बुक समरी की इस कैटेगरी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डीप वर्क के बारे में, जिसको कॉल न्यूपोर्ट ने लिखा हुआ है। और ये जो बुक है वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाली है कि कैसे इस डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड के अंदर आप डीप वर्क करके फोकस हो सकते हो और आप अपने सक्सेस को पा सकते हो। तो इस बुक समरी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये डीप वर्क एक्चुअल में होता क्या है, डीप वर्क हम किसे किसे कहते हैं और ये किसके लिए। देखिए, डीप वर्क उन लोगों के लिए है जो इस डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड में जो एक नोटिफिकेशन पे अपने काम को बंद करके वहां पे फोकस करते हैं और शैलो वर्क करते हैं, वो उन लोगों के लिए है जो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रक्शन के वर्ल्ड में अपने काम को बिल्कुल फोकस के साथ करना चाहते हैं, उनके लिए ये डीप वर्क है। किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं या अपनी स्किल को अगर मास्टर करना चाहते हैं, वो उनके लिए डीप वर्क है। तो एक्चुअल में ये डीप वर्क क्या है, देखिए काम को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला होता है शैलो वर्क और दूसरा होता है डीप वर्क। तो जो शैलो वर्क होता है वो उस तरीके के काम है जिसको हम गाने सुनते हुए भी कर सकते हैं, किसी से बात करते हुए भी कर सकते हैं, और ऐसे कामों को कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, मशीन लर्निंग के द्वारा ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। यानी कि आपको उन स्किल्स पे मास्टरी करनी है जहां पे डीप वर्क की जरूरत होती है, और डीप वर्क पे आप काम करके बिल्कुल फोकस होकर के आपके काम को आप अपने काम के अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि बिल गेट्स ने किया, वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी पहाड़ी इलाके पे चले जाते थे और वहां पे एक एक दो दो हफ्तों की छुट्टियां बिताते और अपने काम को बिल्कुल फोकस होकर करते थे, राइट। इसी तरीके से अगर आप डीप वर्क करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो, आपके गोल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, आप डिस्ट्रक्शन से बच जाते हो, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं डीप वर्क से आपके पास एक इनोवेशन होता है, एक इनोवेशन का आइडिया आता है। तो आपको डीप वर्क पे फोकस करना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी फेज में हो, आप एक स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, एक एम्प्लॉय हो, अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं अभी भी जिसको सेलो वर्क की तरह किया जा सकता है, यानी कि बात करते हुए किया जा सकता है या फिर फोन पे बात करते हुए किया जा सकता है, या अगर आप इस तरीके के कामों में हैं तो कहीं ना कहीं उस काम को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब ये डीप वर्क जो है वो रेयर क्यों है और इतनी वैल्यूएबल क्यों है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। अगर आप स्किल में मास्टरी कर लेते हो और तो आपके जैसा कोई और नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिसर्च करने के लिए आप एक एक दो दो घंटे तक बिल्कुल लगे रहते हो उसी में, तो रिसर्च में आपकी क्या हो जाती है, मास्टरी हो जाती है। और जो डीप वर्क करते हैं बहुत ही रेयर लोग होते हैं, यानी लेस देन 1% लोग हैं इस दुनिया में जो डीप वर्क पे फोकस करते हैं। सेलो वर्क तो हर कोई करता है कि काम कर रहे हैं, पता चला एक व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आ गई, एक फेसबुक से नोटिफिकेशन आ गई है, और फिर उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। इससे क्या होता है कि जो फोकस उनका 100% उस काम पे होता है, कहीं ना कहीं 20% 30% फिर उस नोटिफिकेशन पे चला जाता है। वापस जब बैक आते हैं तो उस फोकस से उस काम को वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये जो डीप वर्क की जो स्किल्स है ना, वो बहुत ही वैल्यूएबल है और इसकी वो कीमत मिल सकती है जो आप मांगोगे। यानी कि इस डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में जो गोल्ड फिश का जो स्पेंड टाइम होता है ना, लगभग आज के समय में वो 6 सेकंड से भी कम का है, वो आने वाले समय में 5 सेकंड से भी कम का होगा। उस समय पे इस 21st सेंचुरी के अंदर आप डीप वर्क पे काम करते हैं तो ये बहुत रेयर स्किल होगी आपके पास, और इसके लिए आप जो डिमांड करेंगे वो आपको मनी दी जाएगी, राइट। तो ये होती है स्किल्स, डीप वर्क की स्किल्स को आपको सीखना पड़ेगा। आपको जो भी चीजें आती हैं उसमें मास्टरी हासिल करो। जब तक आप मास्टरी नहीं हासिल करेंगे, लोग आपको रेप्लिकेट कर देंगे। और डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है, ये वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके वर्क कल्चर का हिस्सा बन जाता है। आप बिल्कुल फोकस होते हो और कहीं ना कहीं
आप क्वालिटी ऑफ टाइम और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो इस डीप वॉक से, इसीलिए ये वैल्यूएबल है। सो आपको स्किल्स के ऊपर, इस एबिलिटी के ऊपर काम करना होगा ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर पाओ और फुलफिलमेंट कर पाओ उस वैल्यूएबल टाइम को इस इकोनॉमी को बढ़ाने में, जो कि हर एक कंपनी, हर एक स्टार्टअप यही चाहता है आपसे कि आप उसके लिए एक वैल्यूएबल पर्सन बनो। और जितनी वैल्यू आप क्रिएट करोगे उतनी वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, और ये केवल और केवल पॉसिबल है डीप वर्क से। मैं सजेस्ट करूंगा कि हर एक पर्सन को ये बुक पढ़नी चाहिए जो डीप वर्क में फोकस होकर के काम करना चाहते हैं, और उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलती है जो डीप वर्क में जा करके काम करते हैं। देखिए कुछ आइडियाज हैं यहाँ से आप ले सकते हो कि यार ये जो आइडिया है ना डीप वर्क का, बिल्कुल फोकस होकर के आप बिल्कुल फोकस कर। देखिए ऐसा काम जो कोई भी कर सकता वो सेलो वर्क कहलाता है, उसके लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, आपसे कम पैसे में भी लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे, राइट? और आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर वो टैलेंट है जिससे कि आप डीप वर्क करते हो, फोकस होते हो, आप एक नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हो और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपका केवल और केवल यही काम है कि आप फोकस होते हो। आप वो कोई भी काम कर सकते हो, आप इस कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर आप बहुत ही रेयर पर्सन हो जो डीप वर्क करते हो, लाइक जो शैलो वर्क करते हो उनकी वैल्यू लो होती है। तो इस तरीके से आप एक नए आइडियाज में जनरेट कर सकते हो, इसलिए कहते हैं कि शैलो वर्क करना आप कर सकते हो शैलो वर्क भी, लेकिन आपको अपने स्किल्स के अंदर डीप वर्क करना होगा तो आप और तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और चीजें हैं, कुछ डिसिप्लिन एजुकेशन है अगर आप डीप वर्क को अपनाना चाहते हैं, तो कुछ चार चीजें हैं इसके थ्रू आप डीप वर्क में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। वो चार चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज, आपको अपना एक रिचुअल बिल्ड करना होगा अपने रूटीन के अंदर। अब ये रिचुअल्स क्या होते हैं? देखिए आपने देखा होगा रिचुअल्स होता है बिल्कुल धर्म की तरह पालन करना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि मंगलवार का व्रत रखते हैं, बिल्कुल वो डिवोटी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? डिवोटी होना है अपने काम के प्रति, और जब भी आप काम करने बैठें तो आप अपने जितने भी डिस्ट्रक्शन के पॉइंट्स हैं उनको दूर रखें। आपको रिचुअल्स की तरह काम करना है कि अगर मैं एक घंटे बैठा हूँ ना, तो एक घंटे पूरी अच्छी तरीके से मैं मुझे बैठना है। देखिए अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब पर वीडियोज तो देखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस पूरी वीडियोस को कंप्लीट करते हैं, यानी कि उनके अंदर डीप वर्क करने की मास्टरी है। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखते हुए आए हो तो कहीं ना कहीं आप एक रिचुअल पर्सन बन सकते हो, आप अपने रूटीन के अंदर डीप वर्क को ला सकते हो और अपने वैरियर्स को कम कर सकते हो। अपने माइंड को ट्रेंड करो फोकस करने के लिए। देखिए ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो होगा, बट जब आप इस पर मास्टरी करोगे तो बाय डिफॉल्ट आप फोकस होते जाओगे, और इस डिजिटल मीडिया के अंदर वो लोग सक्सेसफुल होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के साथ अपने काम को कर रहे हैं और फोकस होकर के कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल मीडिया का यूज आप किस तरीके से कर रहे हैं, किसी चीज को, किसी स्किल को मास्टरी करने में कर रहे हैं, या अपना समय किसी दूसरे कामों में कर रहे हैं। अब दूसरी चीजें, आप अपने शैलो वर्क को लिमिट रखिए। आपको लगता है क्या ठीक है, कुछ ऐसे काम भी हैं जो नोटिफिकेशन देखते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक है करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी शैलो वर्क में कम लगानी है, डीप वर्क में ज़्यादा लगानी है, तो आप इस चीज़ पे और अच्छी तरीके से फोकस होकर के काम कर सकते हो। कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊँगा इस डीप वर्क से रिलेटेड, जो चीज़ें आपको सीखनी ही चाहिए अगर आप डीप वर्क में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं ना, तो सोशल मीडिया को छोड़िए, एक मंथ के लिए छोड़ दीजिए बिना अकाउंट डीएक्टिवेट किए। आप देखिए कि एक महीने में अगर आपने कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई रील्स नहीं डाली, कोई वीडियोस नहीं डाली, किसी की वीडियो नहीं देखी, तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है या दूसरे लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, राइट? तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया का जो यूज है एक आपको टूल की तरह यूज करना है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, न कि आपको टाइम पास करने में यूज करना है। इसके साथ साथ आपको पैरेटो प्रिंसिपल फॉलो करना है वहां भी। देखिए 80-20 हर जगह रूल लागू होता है। आपको अपना
20% समय उन कामों को देना है जिससे आप 80% ग्रोथ ले सकते हैं। तो आपको पैरेटो प्रिंसिपल फॉलो करना है। सोशल मीडिया का भी आप टाइम लिमिट कर दीजिए, हाँ ठीक है। मेल्स की आप टाइमिंग कर सकते हैं, किसी दूसरे को हैंड ओवर कर सकते हैं। शेड्यूल्ड वाले जो टास्क हैं उनको टू डू लिस्ट पे काम करिए, बिल्कुल फोकस रहिए। डीप वर्क यही तो है, और इस डिस्ट्रक्शन के वर्ल्ड में अगर आप डीप वर्क पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दुनिया के लेस देन 1% लोगों में होंगे। जैसे एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने जब बनाया था, बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था तो डीप वर्क में काम करते थे। 20 वीक्स के लिए चले गए थे वो, और उन्होंने कोडिंग करी पहली। तो ऐसे ही आपको भी काम करना है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज काम नहीं कर रही है तो क्विट इट, उसे छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रही है, आपकी मदद नहीं कर रही है, तो क्विट इट, छोड़ दीजिए। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं कहना चाहूंगा, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट का यूज आप एंटरटेन करने के लिए मत करिए। इंटरनेट का यूज एंटरटेन करने के लिए मत करिए, इंटरनेट का यूज आप करिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, नई स्किल्स को सीखने में। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डीप वर्क बुक के अंदर से कुछ जो इंपॉर्टेंट्स मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप कमेंट बॉक्स में वैल्यूएबल लिखिए। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है ना, तो यकीन मानिए आप किसी भी काम को डीप वर्क में कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।